थोड़ा पीछे हो भैया, वन टू थ्री सबसे बड़े लेवल पे काम कर रहा है मिक्स मार्शल आर्ट के लिए। अभी हम लोगों ने मैट्रिक फाइव MFN तीन इंटरनेशनल इवेंट कर चुके हैं हम लोग ने, तीनों के तीनों दुबई में, और एक बार फिर से हम लोग कम बैक हुए इंडिया में। इज अ ऑनर मैडम आयशा मैडम, प्लीज ऑल ऑफ यू जोरदार ताली प्लीज। मैडम कृष्णा श्रॉफ एंड आलन सर एंड इज ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट डांसर। मिक्स मार्शल आर्ट MFN के बारे में मैं आपको अगर बताऊं तो आज हम लोग पूरे एशिया में नंबर वन, पूरे एशिया में बड़े लेवल पे जो मिक्स मार्शल आर्ट फाइट चल रहा है वो हमारा चल रहा है। तो बाकी आप लोगों को जो भी सवाल करना है आयशा मैडम। सो करण सिंह फ्रॉम हैदराबाद विल बी फाइटिंग इन दिस इवेंट ऑन टेन, और इनके ये जो ऑल ओवर सेंटर्स तो बहुत हजारों रहेंगे। मैडम यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका, जो मतलब गांजा उसमें जा रहा है यंगस्टर्स? और लाना चाहिए परिवार ने, ये जिसको बोलते हैं इनिशिएटिव लिया कि ताकि वो इस चीज़ की शुरुआत करें कि जो भी डिजर्विंग, यू नो इट्स सो ब्यूटीफुल, देयर इज सो मच हिस्ट्री, देयर इज सो मच कल्चर, सो इट्स अ नो ब्रेनर। यू नो वी वांटेड टू डू समथिंग मैसिव फॉर आवर ईयर एंड शो, दिस इज आवर फाइनल शो 2021, and no better place to bring it back home to than over here in this beautiful, beautiful palace. बहुत से मार्शल आर्ट्स के प्रैक्टिशनर्स हैं, मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स हैं, लेकिन हमारे जो संस्था है ऑल इंडिया मिक्स मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन तेलंगाना स्पेसिफिकली में, हमारा सबसे ज़्यादा मेंबर्स, सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्टर्स और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मिक्स मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट के लिए हो रहा है। तो जब श्रॉफ परिवार ने ये पूछा कि इंडिया में हम कहाँ पर ये इवेंट करना चाहिए, हमने पहला सजेशन दिया कि हैदराबाद में करना चाहिए, क्योंकि ये स्पोर्ट जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट, ये सब बाकी सब स्पोर्ट से अलग है, कराटे से अलग है, जूडो से अलग है, ये एक रियल स्पोर्ट है। और ये स्पोर्ट में आप लोग जानते नहीं है लेकिन तेलंगाना में सबसे ज़्यादा मेंबर्स, सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, तो इसलिए हम मैट्रिक्स फाइट नाइट को हैदराबाद में लेके आए। और जैसे मैम ने बताया, इतना खूबसूरत और बढ़िया वेन्यू और कहीं है नहीं, इसलिए हम लोग आज ये इवेंट यहाँ पर लेकर आए। एंड वी ऑलरेडी नो वी मेड द राइट डिसीजन, बिकॉज़ आई मीन द वेलकम दैट वी रिसीव्ड, यू नो, वाज इमेंस, इट वाज सो ओवरवेलमिंग एंड वी आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर इट। तो जैसे कि हमारे पास हिंदुस्तान, आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज मिक्स मार्शल आर्ट्स इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया बट वर्ल्ड वाइड। There's, you know, so much talent already within our own country that goes unnoticed. So MFN wants to give our own talent, you know, a platform, a bigger platform to showcase their skills and eventually, you know, compete on even bigger stages throughout their career worldwide. इतना मौका नहीं मिलता था इंटरनेशनल स्टेजेस पर, जिस तरीके से हमने जब MFN की शुरुआत की, हमने इसलिए शुरुआत की कि आप लोग रेडी हो जाएंगे तो हम लोग को बोल रहे हैं। All gentlemen, we need to start. So sir,